हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सचिन प्रजापति एसकेजी एंटरटेनमेंट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप मान लीजिए कोई पोस्ट वगैरह देखते हैं, कोई किसी भी व्यक्ति का आप अकाउंट देखते हैं, तो दोस्तों उसमें देखते होंगे कि आपका जो अकाउंट वगैरह है उसमें जो आपके फ्रेंड वगैरह होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि जो स्टाइलिस्ट मतलब उन्होंने टेक्स्ट लिख के रखा रहता है, जैसे उनका नाम हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसको काफ़ी सारे अच्छे पैटर्न में लिखते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे बनावट कैची राइटिंग में लिख के उसको रखते हैं। तो दोस्तों उसको कैसे करते हैं आज हम वो बताएंगे, और बताएंगे उसके साथ में कि उसमें सिंबल वगैरह कैसे ऐड करें। सिंबल दोस्तों जैसा कि आप देखते होंगे कि कुछ इस प्रकार का रहता है। दोस्तों आपको हम एक बार फिर दिखा देते हैं कि किस प्रकार हम ये वीडियो, हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है, तो इस पे हम बताते हैं सिंबल वगैरह कैसे रहता है। दोस्तों तो जैसा कि दोस्तों यहाँ देखते होंगे कि यहाँ पे एक मिनट चलते हैं अपने व्हाट्सएप पर, जैसा कि हमने स्टाइलिस्ट में अपना नाम लिख रखा है दोस्तों। तो इसी तरह हम आपको बताएँगे, मान लीजिए किसी को हम टैप करते हैं, जैसे मान लीजिए इनको हम कुछ लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप काफ़ी सारे फॉन्ट वगैरह देख रहे हैं, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वो देख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप बताएंगे ये जो यहाँ पर रहता है ये ऐसे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे इसमें ऐड हो रखे हैं। तो दोस्तों इसी तरह आपको कैसे ऐड करना है, कैसे क्या करना है, तो इस पर हम आपको बताएंगे। दोस्तों इसके पहले करना क्या होगा, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह हम वीडियो लेकर आते रहें। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा फॉन्ट प्लस। अगर आपको आसानी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, जैसे हम कर लेते हैं फॉन्ट प्लस, जैसे हमने यहाँ पर सर्च कर लिया। तो यहाँ सर्च करने के बाद यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार का एक आइकन देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का रहेगा। दोस्तों ये है दोस्तों, इसी तरह ये रहेगा, इसको हमको कर लेना है इंस्टॉल। इस पे जाएंगे, यहाँ पे हमने आपको उसमें दिख रहा होगा इंस्टॉल का ऑप्शन, हमने इसमें तो ओपन का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ ऐड वगैरह है तो इसको ऊपर से वो कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस पे हम क्लिक कर देंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, तो आपको पहले इंग्लिश वाला US वाले पे क्लिक कर देना है। अब इसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस पे करना है, यहाँ से आपको इसके ऐड को कट कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं आपका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उसमें यहाँ पर जहाँ हमारा अप्लाइड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका वहाँ से अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर काफ़ी सारे आपको देखने को फॉन्ट देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से कीबोर्ड का थीम्स भी सेट करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार नियॉन वगैरह के जो कीबोर्ड होते हैं, यहाँ से आप कीबोर्ड सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे कीबोर्ड हैं। जैसा हमने इसको करना है तो इसको हम गेट थीम्स पे क्लिक कर देंगे। गेट थीम्स पे क्लिक करने के बाद कुछ 2-4 सेकंड का पॉइंट का वेट मांगेगा, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड सक्सेसफुल, अप्लाई थीम सक्सेस। तो यहाँ पे जब आप किसी उस पर टाइप करेंगे, जाकर किसी को आप मैसेज करेंगे या कुछ भी भेजेंगे, तो वहाँ पर आपको देखेंगे कि आपको ये टाइप करने वाला ऑप्शन बहुत ही अच्छा रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि इस तरह वीडियो हम लेकर आते रहें धमाकेदार। धन्यवाद दोस्तों।